पूरा ब्लॉक है, राइडिंग ब्लॉक। अभी टाइम कितना हुआ, अभी 2 बजने जा रहा है, रात 2 बजने जा रहा है। अभी मैं निकल पड़ा कंटे टू मुकुट मणिपुर, जाना है मेरे को। इस ब्लॉक में आप लोगों का स्वागत है, मेरा पहला ब्लॉक है, तो आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए। और पहला ब्लॉक क्या बोलना पड़ेगा और मेरे को पता नहीं है, फिर भी मेरा तरफ से कोई भूल हुआ तो माफ़ी चाहता हूँ। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ठीक है। चलो चलते, हम तो अभी रेडी हो गया, अभी मैं भी जाएगा मेरे एक दोस्त को पिकअप करने के लिए, तो वहाँ से लेके फिर कंटे सेंट्रल बस स्टैंड है, उधर मीटअप करेगा। मीटअप करने के बाद वहाँ से सब एक साथ आने के बाद हम लोग निकल जाएगा। तो चलो चलते हैं, मैं ये है मेरा बाइक, पहले जब देख लो मेरा बाइक है, देख ही सकते हो। और एक बात, मेरे को बाहर अभी मौसम ख़राब है, बहुत ख़राब है। अभी थोड़ी देर पहले बारिश हो रहा था, अभी तो बंद है। अभी कैमरा जो लगाएगा, ब्लॉगिंग कैमरा जो लगाएगा, उसमें शायद बात नहीं कर सकता क्योंकि बाहर बारिश हो रहा है। अभी तो बंद है लेकिन कभी भी आ सकता है बारिश, तो चलो देखते हैं आप लोगों के लिए कितना कर सकता हूँ। और आप लोग हमारे ऊपर सब्सक्राइब करेगा और मेरा चैनल और शेयर भी करना है, ठीक है। आप लोगों को वजह से हम वीडियो बनाएगा और आप लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं, आ गया अभी हम लोग आ गए अभी सेंट्रल बस स्टैंड पे। भाई ये जो शूट कर रहा हूँ ना, जो बात कर रहा हूँ, इसमें मैं मोबाइल से बात कर रहा हूँ क्योंकि वो कैमरा हेलमेट में लगा दिया, इसलिए ओपन नहीं किया क्योंकि फूल जानने गया, उसमें आने के बाद जाएगा। अभी सब तैयार होके आ गया, मेरा भाई ठीक है। अभी अंधेरा है, तो बाद में थोड़ा सुबह होने तो फिर बाद में ब्लॉक कैमरा ऑन करेगा। तो बहुत गर्मी है और जैकेट पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा गर्मी हो गया, इतना पसीना छूट रहा है क्या बोलूं।
देखो हेवी ड्राइवर आ रहा है, ये हेवी ड्राइवर इधर से कोई रास्ता है यहाँ के साथ हमार को भी दरकार ना अपनी चंद्रकोना दिए चले जाए अब डायरेक्ट जाए घाटा लाइट जाए ढुकी जाए देखो इधर इस तरफ डैम है इस तरफ घर है मतलब बहुत नीचे है इधर इधर पानी फुल हो जाएगा तो डैम का पानी फुल हो जाएगा तो इधर आ जाएगा लेकिन फुल होने से पहले डैम छोड़ देता है क्योंकि उधर डैम का जो गेट है ना इतना ऊंचा भी नहीं है मतलब ये इसका लेवल बराबर आने के पहले वो डैम से पानी निकल जाएगा
इधर डैम अभी बंद करके रखा है क्योंकि ये पानी छोड़ देगा तो उधर पूरा गांव चला जाएगा पानी के अंदर। अभी ओ भाई एक खूबसूरत नजारा देखो, कितना बड़ा डैम है। ये है कंसाबोती डैम।